तो देखो भाई लोग, ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है अपकमिंग कार लॉन्चेस इन जनवरी 2023 का। इसका पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है कल। उस वीडियो के अंदर मैंने 5 कारों को कवर किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पेंडिंग 5 कारों को कवर करूंगा और इन 5 कारों में से 3 CNG कारें होने वाली है। और इन 3 CNG कारों में से एक कार ऐसी भी है जो कि आपको लगभग 30 के आसपास माइलेज देने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिल्ली में होने वाला है ऑटो एक्सपो, जहां पर बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को शोकेस करेगी और कुछ कारों को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा ऑटो एक्सपो में। तो वो ऑटो एक्सपो में जरूर कवर करने वाला हूं, लेकिन बहुत सारी जबरदस्त कारें अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अगर 2023 में आपको एक अच्छी कार लेनी है या फिर आप CNG कार लेने की सोच रहे हो जहां पर आपको अच्छा खासा माइलेज मिले, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर 2 ऐसी SUV कार है जिनके अंदर आपको कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन मिलेगा और एक 7-सीटर कार को कंपनी फिटेड CNG किट के साथ अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको मारुति सुजुकी की तरफ से अगले महीने लॉन्च किया जाएगा, वो है ब्रेजा का CNG मॉडल। कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया था, जिसको काफी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि ये कार सेल्स रिपोर्ट में टॉप 5 लिस्ट में आई थी, लेकिन लास्ट मंथ ये 10th पोजीशन पर जा चुकी है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इस कार के ऊपर वेटिंग पीरियड। कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर 3 महीने का या फिर 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है और कुछ सिटीज में 6 महीने से लेकर 8 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेजा फेसली मॉडल की कितनी डिमांड बढ़ी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, इस कार का लुक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रेजा फेसलिप का रेड और ब्लैक कलर वाला मॉडल दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसका रोड प्रेजेंस आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। इसके इंटीरियर को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन जो CNG मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका फेसली मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। उसी वजह से इसके अंदर आपको सिर्फ CNG किट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी चेंजेस इस कार के अंदर मारुति सुजुकी नहीं करने वाली। CNG किट के साथ आपको मिलेगा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये पेट्रोल इंजन नॉर्मली 100 BHP की पावर आउटपुट और 136 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन CNG किट के साथ आपको लगभग 87 BHP की पावर आउटपुट और 122 Nm का टॉर्क मिलेगा। CNG किट के साथ आपको पावर आउटपुट थोड़ी सी कम मिलने वाली है। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो मारुति सुजुकी इसके VXI और ZXI मॉडल के अंदर CNG किट का ऑप्शन दे सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कार के अंदर आपको 26 से लेकर 28 किलोमीटर पर KG का माइलेज मिलेगा CNG किट के साथ। इसके अलावा नॉर्मली ये कार पेट्रोल में लगभग 17 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगले महीने यानी जनवरी के महीने में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है और इसके CNG मॉडल की कीमत 1 लाख रुपए आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल फेसलिफ्ट मॉडल। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल इसके अलावा CNG मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, वो है किया की सोनेट। कुछ दिन पहले हुंडई कंपनी ने वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होना बाकी है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा, किया की सोनेट और हुंडई की वेन्यू इन दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है और दोनों ही कारों के अंदर आपको लगभग फीचर्स सेम मिल जाएंगे, इंजन भी लगभग सेम है। तो यहाँ पर रिसेंटली वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, अब यहाँ पर बारी है किया सोनेट की। ये भी कार इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बिक जाती है, लेकिन जो सबसे मेजर कंसर्न है इस कार के अंदर वो है सेफ्टी। उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन सोनेट के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इस कार का लुक थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी इस कार के फ्रंट के फीचर में चेंजेस किए जाएंगे। आपको नया ग्रिल का सेटअप मिलेगा, नया लाइटिंग सेटअप का यूज किया जाएगा। इसके अलावा फ्रंट के बंपर्स रियर के बंपर्स को रीडिजाइन किया जाएगा। साइड प्रोफाइल में आपको न्यू अलॉय व्हील का डिजाइन मिलेगा। इसके अलावा रियर के टेल लाइट का डिजाइन कंप्लीटली नया रखा जाएगा। तो एक्सटीरियर में काफी ज्यादा चेंजेस करे जाएंगे फेसलिफ्ट मॉडल के। इसके अलावा इंटीरियर को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है। शायद किया कंपनी सोनेट के फेसलिफ्ट मॉडल को ऑटो एक्सपो में शोकेस कर सकती है या फिर उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, सोनेट के फेसलिफ्ट मॉडल के साथ ही इसका CNG मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि पिछले साल से ही इस कार की टेस्टिंग इंडियन मार्केट में चल रही है। जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा महिंद्रा की तरफ से, वो है बोलेरो नियो प्लस। आज के डेट में बोलेरो बिक रही है, इसके अलावा बोलेरो नियो बिक रही है, लेकिन बोलेरो नाम से तीसरी कार लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी, जो कि रहेगी बोलेरो नियो प्लस। ये बोलेरो नियो का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, जिसके डायमेंशन आपको थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे, यानी ये कार बोलेरो नियो के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहेगी और इस कार का एक्स्ट्रा लुक थोड़ा सा अलग रह सकता है। यानी बोलेरो नाम से महिंद्रा कंपनी इंडिया में 3 कारों को बेचेगी और डेफिनेटली आने वाले समय में ये कार इंडियन मार्केट में
में तहलका सा मचा सकती है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा और इस कार की डिमांड आज के डेट में काफी ज्यादा है, वो है किया की करेंस। ये एक 7 सीटर कार है जिसको इसी साल किया कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया था और इस कार को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे एक चीज अच्छी लगी इस कार के बारे में, अगर आप इस कार का बेस मॉडल भी परचेस कर लेते हो तो आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे और इस कार के टॉप मॉडल के अंदर काफी बेहतरीन फीचर्स को किया कंपनी ने इंक्लूड किया है। इसके सीएनजी मॉडल के साथ किया कंपनी नॉर्मल से चेंजेस कर सकती है एक्सटीरियर में और इंटीरियर में, यानी कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन आपको बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। सीएनजी किट के साथ ये कार लगभग 25 से लेकर 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है। और 7 सीटर सेगमेंट के अंदर आज के डेट में अर्टिगा आती है। इसके अलावा रिसेंटली XL6 का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। अर्टिगा के सीएनजी मॉडल की भी डिमांड काफी ज्यादा है, वो भी अच्छा खासा माइलेज दे देती है, लेकिन किया करेंस का सीएनजी मॉडल लॉन्च होने के बाद इस कार की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लास्ट नंबर की कार आती है जो कि लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचाने वाली है, वो है बलेनो क्रॉस एसयूवी। ये बलेनो का एसयूवी वर्जन होने वाला है और इस कार की फिलहाल के लिए टेस्टिंग भी चल रही है और ये बलेनो के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, यानी इस कार के डायमेंशन आपको थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये एक क्रॉसओवर एसयूवी कार होने वाली है, उसी वजह से इस कार के डायमेंशन बढ़ाए जाएंगे। आज के डेट में बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिक रहा है और लास्ट मंथ ये कार सेल्स रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। लगभग 20,000 यूनिट बिके थे बलेनो के पिछले महीने, तो यहाँ पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बलेनो की डिमांड कितनी ज्यादा है। अब बलेनो का एसयूवी वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो ये आग ही लगा देगा। तो ये 5 कारें थी जिनको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। शायद इनमें से कुछ कारों को अगले महीने रिवील किया जाएगा, उसके बाद इनको लॉन्च किया जा सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे ही ये कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।